अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और आज हमारे घर पे कुछ स्पेशल सी चीज़ बन रही है, जो कि आप लोग जानते हैं संडे के दिन हर किसी के घर पे कुछ ना कुछ होता है, या फिर बाहर जाने का मूड बन जाता है सिर्फ फैमिलीज का, या फिर घर पे कुछ ना कुछ एक चटपटा सा कुछ खाने का मूड हो रहा है। तो आज जो है ना, मेरे घर पे दो रीज़न है ये चीज़ बनाने के। एक्चुअली ये कि मैं आपको बता दूँ, पहला रीज़न ये है कि मेरी नंद की बेटी, उनकी काफ़ी दिनों से फरमाइशें आ रही थी कि प्लीज़ मामी आप बिरयानी की रेसिपी प्लीज़ शेयर करें, ताकि मैं जो हूँ बनाना जो है घर में स्टार्ट करूँ। सेकंड ये कि क्या कहते हैं, मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा बिरयानी बहुत पसंद है, मीट लवर है वो काफ़ी, और इसलिए आज उनके लिए जो है बिरयानी बना रही हूँ। मेरा क्या स्टाइल है, मैं किस तरह से बनाती हूँ, आपसे शेयर करती हूँ। तो मैंने जो चीज़ें ली हैं वो ये लिया है कि मैंने गाय का गोश्त लिया है, तकरीबन 1 किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट काफ़ी सारा दिख रहा होगा आपको कि 2-2 चम्मच भर के मैंने वो लिया है, और मैंने लिया है आलू बुखारा, बिरयानी मसाला, टमाटर, हरी मिर्चें, और उसके अलावा क्या कहते हैं, ये पिंच रखी हुई है, 2 पिंच के करीब जो है मैंने जर्दे का रंग लिया है। उसके साथ मैंने घर का मसाला लिया है। घर के मसाले में आप देख रहे हैं कि लाल मिर्च भी है, कुटी मिर्च भी है, हल्दी, ज़ीरा, सूखा धनिया पाउडर, उसके अलावा नमक, बड़ी इलायची, और मैंने ये छोटी इलायची भी ले ली है, ठीक है जी। अब उसके साथ साथ मैंने ले लिया है दही। दही जो है मैं इसमें कम यूज़ करूँगी, ये जो बच जाएगा वो मैं रायते में रख लूँगी। और उसके अलावा क्या कहते हैं, मैंने बासमती राइस लिए हैं तकरीबन 1 किलो, ठीक है जी। मैंने आलू उबालने के लिए रख दिए हैं, जिसमें मैंने जर्दे का रंग थोड़ा फ्लेवर के लिए रखा है, और इसी के साथ मैंने एक बड़ी सी प्याज जो है मैंने वो काट ली, और ऑयल जो है मैंने इसमें डाल दिया। अब मैं इसको रेडी करती हूँ, और रेडी किस तरह से करती हूँ ये आप तरीका देखते जाइएगा। ये देख सकते हैं प्याज तकरीबन जो है ना ऑलमोस्ट बिल्कुल हो गई ये ब्राउन। अब इसमें मैं डालने वाली हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, और अब इसमें डालेगा गोश्त। अदरक लहसुन के साथ इसको तकरीबन 10 मिनट तक मैं भूनूंगी अच्छे तरीके से। उसके बाद जो है ना इसमें थोड़ा सा पानी, मामूली सा जिसे बोलते हैं, वो डाल के मैंने कुकर में इसको गला लेना है अच्छी तरीके से। दस मिनट गुजरने के बाद देख सकते हैं ब्राउन कलर का हो गया गोश्त, अच्छे खासा मैंने भूना है इसको। और अब 1 गिलास के करीब मैं डाल रही हूँ पानी, ताकि ये अच्छे से गल जाए। अब देख सकते हैं अब ये बॉयल हो रहा है पानी डालने के बाद। अब मैं डाल रही हूँ टमाटर इसमें। टमाटरों को मैंने मिक्स करने के बाद अब इसको कैप लगा रही हूँ अच्छे तरीके से, सिर्फ 10 मिनट के लिए। ये देख सकते हैं फ्लेम बिल्कुल तेज़ है, अभी स्लो करेंगे इसको थोड़ी देर के बाद, जब सीटी बजेगी, सीटी जैसे कबूतरों को पकाते हैं ना, है ना मुसब जी, फिर वैसे अभी सीटी बजेगी, फिर हम लोग इसको जो है ना स्लो कर देंगे, ठीक है। आपको मज़ा आता है जी? अच्छा, आप देख सकते हैं ये मीसब मेरे पास आ गया है, इसको इतना शौक है कुकिंग सीखने का। मैंने कहा मुझे लगता है तुम शेफ़ ही बनोगे, और क्या कहते हैं तुम्हें शेफ़ तो नहीं बनाना मैंने, और ये कुकिंग करने का इतना इसको बस ममा 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 करता रहता है, और किचन में आ जाता है ये मेरे साथ, भले गर्मी लगे कुछ भी हो। और आज जो है ना नंद की बेटी के लिए मैं बना रही हूँ बिरयानी, और वो देख रही होगी मुझे, मुझे अच्छे तरीके से पता है, वो जब तक वीडियो नहीं देखती ना उसे नींद नहीं आती। तो आज तुम्हारे लिए मैं बना रही हूँ, और मज़े मज़े से देख और खाऊंगी मैं। अच्छा जी, गोश्त जब तक गल रहा है तो मैंने ऐसा किया कि मैंने पानी जो है ना चावल बॉईल करने के लिए रख दिया है, अभी ये हो रहा है गर्म, और इसी के साथ साथ मैंने चावल भिगो दिए हैं। आप लोगों को अच्छे से पता है कि मैं आधा घंटा चावल भिगोती हूँ, और ये बासमती चावल है, और इसको भी मैं आधा घंटा ही भिगोंगी, जब तक गोश्त रेडी होता है तब तक चावल भी रेडी हो जाएंगे। अब पानी बॉईल हो रहा है तो मैं 2 या 3 चम्मच जो है ना अच्छा खासा भर के डाल रही हूँ नमक, क्योंकि चावल जब तक नमकीन ना हो तो बिरयानी का टेस्ट नहीं आता। ये मैंने तकरीबन 3 चम्मच, क्योंकि पानी मैंने ज़्यादा लिया है, और अब ये थोड़ा सा पुदीना है ये डाल रही हूँ। हटो, हरी मिर्चें डालने के बाद अब मैं डाल रही हूँ चावल,
मैं सब, आप थोड़ा दूर खड़े होना बेटा, गर्म है बहुत ज़्यादा यहाँ पर सब चीज़। थोड़ा दूर। नेक्स्ट टाइम मुझे लगता है मी सब आपने बनानी है बेटा ये। प्रॉपर देख रहे हो आप क्या क्या डलेगा क्या नहीं डलेगा, बड़ा शौक है आपको। ज़ीरा, वेरी गुड मी सब, आप तो बहुत अच्छे हो गए हो बेटा। अब आप कैप लगा के रख दो, शाबाश मेरा बेटा, वेरी गुड। जब चावल बॉईल हो जाएंगे तो नमक ज़रूर चख लेना है, क्योंकि अगर चावल नमकीन नहीं होंगे तो फिर मज़ा नहीं आता, फ्लेवर नहीं आता, तो इसलिए जो है ना नमक का चखना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा जी, चावल जो है ना बॉईल हो रहे हैं, हाँ बस एक बात का ख्याल रखना है, एक तो नमकीन होना बहुत ज़रूरी है, सेकेंड स्टेप यह है कि तीन हिस्से हमने पका लेना है और एक हिस्सा हमने रख लेना है, कच्चा रहना चाहिए चावल, ताकि बिरयानी में जब कुक होता है तो उसमें जो है ना हम खिचड़ी नहीं बनानी है, हमें सिर्फ खिला खिला चावल बिरयानी का अच्छा लगता है। चावल हमारे ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं, अब मैं इसको जो है ना इसका पानी निकाल रही हूँ और इसको छन्नी में रखती हूँ अच्छे तरीके से, ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए। चावल जो है ना देख लें हमारे, ये बिल्कुल इस तरह से मैंने निकाल के रख दी हैं और इसका पानी ड्राई होता है जब तक, और जब तक हम गोश्त रेडी करते हैं। और हमारे साथ ये मूसफ नहीं जान छोड़ने वाला आज, ये गर्मी में खड़ा हुआ, कहता है कोई बात नहीं मामा पसीना आ रहा है तो कोई मसला ही नहीं है, मैं सीखूंगा आज। चलो भाई आप सीखो। अच्छा जी, गोश्त हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, मैंने चूल्हा बंद करके इसका गैस जो है ना वो निकाल लिया था, ठीक है, एयर इसकी काफ़ी ख़तरनाक होती है। और अब जो है ना इसमें थोड़ा सा पानी है, ये पहले ड्राई करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको बताती हूँ अब इसमें और क्या करना है। अच्छा जी, अब मैं ये इसमें जो है ना आलू बुखारा डालने वाली हूँ, काफ़ी सारा लिया, इसका टेस्ट बहुत मज़ेदार होता है। हाँ एक मिनट, और इसमें ये मसाले जाने वाले हैं सारे, और शान का ये बिरयानी मसाला, ठीक है, ये मैंने कट करके रख लिया, अब ये मसालों के साथ ये जाने वाला है। इसमें मैं दही डाल रही हूँ तकरीबन 3 से 4 चम्मच के करीब, ठीक है जी। कलर देखें कितना खूबसूरत सा आ रहा है माशाल्लाह, ये सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं। अब ये थोड़ा थोड़ा जो पानी है ना ये अच्छे तरीके से इसको मसाले को भूनेंगे, ताकि मसाला जो है ना अच्छे से गोश्त में टेस्टी हो जाए। कोरमा हमारा तकरीबन रेडी होने वाला है। हर किसी का बिरयानी पकाने का अलग अंदाज़ होता है, कोई प्याज ब्राउन करके निकाल लेते हैं और वो भी अच्छी बनती है सिंधी बिरयानी, और इस तरह की बिरयानी भी अच्छी पकती है। हम लोग थोड़ा इस तरह से खाते हैं चटपटी सी, तो मैं इस तरह से बनाती हूँ, मेरा ये तरीका है बिरयानी पकाने का। और 4-5 मैंने जो हरी मिर्चें बचा ली थी ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अच्छा जी, सब मसालों को मैंने अच्छे तरीके से चम्मच चलाया है, और उसके साथ मैं अब ये आलू जो मैंने बॉईल करके रख दिए थे इसका पानी मैंने निकाल दिया, अभी आलू इसमें ऐड कर रही हूँ। आलू डालने के बाद अब इसको मिक्स करेंगे और इसको हल्की आंच पे रख देंगे थोड़ा, ये ताकि जूसी जो है ना ये थोड़ा बहुत जो है अभी मसाले वगैरह लगने नहीं चाहिए, क्योंकि टेस्ट ख़त्म हो जाता है इसका, और इसी तरह से जो है ना मज़ेदार सी बिरयानी हमारी, हमारे मूसब की फेवरेट, इनके पापा की फेवरेट, मेरी फेवरेट, सबकी फेवरेट बिरयानी। अच्छा जी, ये सारे मसाले वगैरह डालने के बाद मैंने काफ़ी 1-2 मिनट के लिए ऐसी चम्मच चलाया, उसके बाद अब मैं इसको लगा रही हूँ कैप, और इसको लगा रही हूँ कैप, ऐसे लग ही नहीं रहा, चले इसको दम पे ही रखना है बस 5 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से मसाले वगैरह लग जाते हैं। तब तक हम रायता बनाते हैं, रायता, हमारा रायता। चलें जी, रायते के लिए जो है ना मैंने ज़ीरा यहाँ पर रख दिया चूल्हे पर, और हमारा ये चिट्टा चोला आ गया है, ये जो गाने गाता है चिट्टा चोला ज़ीरे वाला रायता भी अच्छा लगता है, वैसे इसके साथ बिरयानी के साथ ग्रीन वाला भी अच्छा लगता है, मैं ज़ीरे वाला इसलिए बना रही हूँ कि बिरयानी थोड़ी स्पाइसी होगी तो बच्चे जो है ना रायते के साथ खा लेंगे ईजीली। तो अब जो है ना इसका मैरिनेट कर रही हूँ चीज़ें, और बनाएगा मी सब। चलो जी,
शक्ल भी तुम्हारी ऐसी हो रही है जैसे जीरा तुम कूट रहे हो ना, शक्ल भी तुम्हारी जीरे जैसी हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता स्लेप ना तोड़ देना, आहिस्ता आहिस्ता। गुड, अब इसको चम्मच चलाओ। अब आप इसमें नमक डालो थोड़ा सा, पता है ना कितना, बस वेरी गुड। अच्छा जी, रायता हमारा जो है ना बिल्कुल ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, कोरमा भी हमारा रेडी हो चुका है। साथ साथ जो है ना मैं वो जो मैंने 2 पिंच जर्दे का रंग रखा था उसमें मैंने 2 चम्मच दही जो है इसमें ऐड कर दी थी। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और ये जो हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीना वो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में हरा धनिया और पुदीना इसके लास्ट में। पहले अगर हम ऐड करेंगे ना तो ब्लैक कलर का हो जाता है, तो हम जो है ना बिल्कुल एंड में इसमें ऐड करने वाले हैं। और 2 हरी मिर्चें मेरे सामने रखी हुई थी मोटी मोटी सी, तो मैंने कहा चलो ये भी ऐड ही कर देती हूँ, तो मैंने ये इसमें ऐड कर दिया। अब जो है ना इसमें मैं लास्ट में दम लगाने वाली हूँ इसी पतीले में जिसमें मैंने चावल बॉईल किए थे। और ये देख लें हमारा यम्मी सा कोरमा तैयार हो चुका है, ठीक है। और ये जो है ना मज़ेदार सा बिल्कुल रेडी है, खूबसूरत कितना लग रहा है, मज़े का। ये सब मैं अकेले खाऊंगी ये सब। अभी ये सेकंड लेयर जो है ना, ये सेकंड लेयर मैंने बिछा दी है और आपकी मर्जी आप जितना भी बनाना चाहें, मगर हमारे यहाँ ये रिवाज है कि हम लोग आस पास महल्ले में देते हैं तो मैं थोड़ा ज़्यादा बनाती हूँ, और जो चीज़ें अच्छी होती हैं तो वो खासकर मैं जो हूँ ना, क्योंकि मेरी फैमिली फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हैं तो मैं उनमें लाजमी बाँट देती हूँ, तो हम लोग मिलजुल के खाते हैं, ज़्यादा बनाई है। अब लास्ट में जो है ये जर्दे का रंग और जो मैंने 2 चम्मच दही वो जो है ना मैंने वो इस तरह से ऊपर से लास्ट में डाल रही हूँ। अब जर्दे के रंग जाने के बाद जो है मैंने 2 लेमन जो है ना वो निचोड़ ली हूँ इसमें अच्छे तरीके से, क्योंकि कुछ लोग जो है गोश में डाल देते हैं तो मैं गोश में ऐड नहीं कर रही हूँ, मैं लास्ट में जो है ना ऊपर से डालती हूँ लेमन का जूस, और मैं 2 अदद जो है लेमन का जूस ऐड कर रही हूँ। इसके मैंने बीज भी निकाल दिए, और आप लोग अगर इस तरह से डालेंगे तो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छे से आता है। लेमन जो है मैंने ये देख लें 2 लेमन मैंने इसमें निचोड़ लिए हैं। अब इसको कैप लगाएंगे, कैप लगाने के लिए पहले मैंने अखबार बिछाया और इस तरह से मैं इसको लपेट रही हूँ अच्छे तरीके से ताकि कोई एयर ना निकले इसकी। कैप लगाने के बाद जो है मैं इसको रख रही हूँ दम पे तकरीबन 5 मिनट के लिए, मैंने तेज़ आँच पे रखा है, उसके बाद मैं स्लो फ्लेम जो है फ्लेम कर दूँगी, और 15-20 मिनट के बाद जो है ना फिर ढक्कन खोल के दिखाती हूँ आपको मज़ेदार वाली बिरयानी। अब मैं जो हूँ ना दम खोल रही हूँ, तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। ये मैंने कपड़े वगैरह इसके ऊपर ढाँप दिए थे ताकि अच्छे तरीके से जो है दम आ जाए। ये देख लें कितना ज़बरदस्त धुआं उठ रहा है, और ये रही हमारी बिरयानी। ये देख लें फाइनल लुक मिक्स करने के बाद, अभी ट्रे में निकालती हूँ और फिर दिखाती हूँ कि कैसी मज़ेदार वाली ये बिरयानी बनती है जी। तो ये देख लें मैंने ट्रे में निकाल दी ये बिरयानी, बीफ बिरयानी, और साथ में ये रायता हो गया, ये हमारे घर की सैलेड, और गर्मा गर्म देख लें फाइनल लुक इसका ये है। और इसी के साथ मैं लूँगी इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कल नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अगर आपको मेरी बिरयानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूला करें, और लाइक का बटन दबा दिया करें, बस यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि सब्सक्राइब जो है ना वो और लाइक, आप लोगों की जो है ना ये
छोटी छोटी सी मोहब्बतें जो है ना हमें जो मिलती हैं और हमारे चेहरे पे जो मुस्कुराहटें आती हैं ना सिर्फ आप लोगों की वजह से आती हैं, तो आप लोग याद रखा करें ये चीज़ें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।